मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोन पॉलिटिक्स काफी ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले कोरोना कहर के बीच मध्य प्रदेश की एक छात्रा राजस्थान के कोटा में फंस जाती है। पिता ने सिंधिया से मदद की गुहार लगाई, सिंधिया ने तुरंत फोन घुमा दिया सचिन पायलट को। उसके बाद गुना में दलित दंपत्ति के साथ मारपीट के दौरान जो कुछ भी हुआ, इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घायल किसान की पत्नी को फोन लगा दिया, मदद का आश्वासन दिया, उचित कार्यवाही का वादा किया और अब सचिन पायलट की फोन पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आ गया है। आप जानते हैं कोरोना कहर है, उपचुनाव का प्रचार वैसे नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए, तो ऐसे में फोन से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को मदद का आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले शिवपुरी के छात्रों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को फोन पर बात की। इस दौरान शिवपुरी के छात्रों का हौसला बढ़ाया, आगे भी इस तरह की पढ़ाई जारी रखने की बात कहते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शिवपुरी जिले के छात्र गौरव ओझा ने बोर्ड की हाई सेकेंडरी की परीक्षा में कृषि संकाय में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे फोन पर बात की, अच्छे अंक लाने के लिए बधाई दी। गौरव ओझा से उनके परिवार का हाल जाना, इसी तरह से आगे पढ़ाई जारी रखने की बात कही। दूसरी छात्रा अनुष्का गुप्ता, जिन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें भी फोन किया, अनुष्का का हौसला बढ़ाया और कहा इसी तरह से पढ़ाई जारी रखें, लक्ष्य बनाकर अपना करियर बनाएं। अनुष्का गुप्ता के उज्जवल भविष्य की सांसद सिंधिया ने कामना की। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ गुना शिवपुरी में मानी जाती है, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के लोगों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिल रहा है लोगों को फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं मैं सिंधिया बोल रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, अपना ख्याल रखिए। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।